एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो केसेज पढ़े थे नहीं, एक कौन सा केस पढ़े थे जब एक्स वाई बराबर क्या था सी स्क्वायर था, एक दूसरा केसेज क्या था मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर था। ये केसेज में ग्राफ कैसे बनती थी ऐसे नहीं, अच्छा इसका, और ये क्या होता था वाई बराबर एक्स, इस लाइन का क्या होता था ट्रांसवर्स एक्सिस, इस हाइपरबोला का वाई बराबर माइनस एक्स क्या होता था कंजुगेट एक्सिस होता था। ये पॉइंट कितना आया था सी कॉमा सी, वर्टेक्स कितना था सी कॉमा सी, फोकस कितना था रूट टू सी कॉमा रूट टू सी नहीं, इसी तरह ये भी क्या था माइनस का सी कॉमा माइनस का सी, इसका फोकस क्या था माइनस का रूट टू सी माइनस का रूट टू सी। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या था सी वाई रूट टू नहीं सी वाई रूट टू, और फिर इसका इस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या था माइनस का सी वाई रूट टू माइनस का सी वाई रूट टू था। इसी तरह एक और हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर पढ़े थे नहीं, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, इसका ग्राफ कैसे बनता था ऐसे नहीं, ये क्या होता था इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई बराबर माइनस एक्स इसका क्या था ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई बराबर एक्स इसका क्या था कंजुगेट एक्सिस नहीं, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, इसमें एक्स तो माइनस का नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा नहीं, अच्छा इसका फोकस क्या था सी यानी रूट टू सी, रूट टू सी माइनस का रूट टू सी समझे, इसका फोकस क्या था माइनस का रूट टू सी नहीं, इसी तरह फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट था नहीं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था इसका सी वाई रूट टू माइनस का सी वाई रूट टू, इसी तरह ये कोऑर्डिनेट क्या था माइनस का सी वाई रूट टू सी वाई रूट टू। अच्छा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो याद होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते थे इसके लिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या था क्या था सी टी और सी वाई टी नहीं, अगर इसके लिए लेना होगा तो इसके लिए कहीं एक किसी एक को माइनस ले लेंगे नहीं, माइनस का सी टी सी वाई टी ले सकते नहीं, तो चल लिख ले इतना, ये तो लिखा ही हुआ नहीं, अब इस पर चार पांच क्वेश्चन करके इसको ख़त्म कर दें। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर रहे हैं नहीं, तो देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फोर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं, ये क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, इस पर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करना है, तो देख ये मेरा ग्राफ है ठीक, अब मान लें कि हम इस पे किसी पॉइंट पे ही ना टेंजेंट की बात कर सकते हैं, तो मान लें कि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं नहीं, इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हमको एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पर कोई पॉइंट हम निकाल सकते हैं ना, क्या कोई पॉइंट पता है ना सी टी कॉमा सी वाई टी ठीक। अब हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए, अब इस लाइन का स्लोप चाहिए, इसका मान ले कि पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर हमको टेंजेंट लिखना है, तो हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना उसमें जाके ये पॉइंट रख देंगे तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा नहीं, तो कर्व मेरे पास क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल पता है ना, एक को रखते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं पहले वाले को रख लेते नहीं, तो मान लें कि हमने यहाँ पर एक्स को रखा तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई टी एक्स प्लस, अब देख हमने y को रखा और x का डिफरेंशिएशन 1 dx एक्स बाई डी सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 काहे कि कांस्टेंट है, तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है dy वाई बाई डी एक्स आ रहा माइनस का y बाई x, लेकिन हमको किस पॉइंट पे चाहिए पॉइंट P पे चाहिए नहीं, तो dy वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P पे चाहिए, तो P का y कोऑर्डिनेट कितना है सी वाई टी नहीं, और पी का एक्स कोऑर्डिनेट सी टी नहीं, तो यहाँ पे सी टी, तो ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस का वन बाय
टी स्क्वायर, तब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं ना, एक कह कि एक पॉइंट पता है हमको, इस लाइन का स्लोप पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वाई माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टी स्क्वायर होगा इंटू एक्स माइनस सी टी। नहीं, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए इसी पॉइंट पर, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखोगे? नहीं, मान लें कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो देख, इसका स्लोप आ चुका है, टेंजेंट का स्लोप आ गया है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए मान लेते कि नॉर्मल का स्लोप कितना है, एम। नहीं, तो एम इंटू टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू माइनस का वन। नहीं, तो देख, तो क्या हो जाएगा, एम, एम कितना है मेरे पास, एम तो निकाल, एम इंटू डी वाई वाई डी एक्स एट पी, तो पी कितना है, माइनस का वन बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वन, तो एम बराबर कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। नहीं, अब टी स्क्वायर आ गया, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी यहाँ से लिख सकते नहीं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी बाई टी, स्लोप कितना है, टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। नहीं, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लिए, नहीं सही है ना। अब देख, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं क्या, मान ली कि कोई पी पॉइंट, अभी तो चल इतना लिख ले पहले, इसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉर्ड नया लेंगे। देखो, अब एक तरीका देख, इसमें एक और तरीका से हम स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे, तो देख, स्लोप निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करते थे, नहीं वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस करते थे, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते थे, नहीं नहीं, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते थे, याद है, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते थे, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू, नहीं इससे ही रिप्लेस करते थे ना, याद है ना। ठीक, तो देख, हम यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख देंगे, कि देख, एक्स एक्स वन प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई वन, नहीं एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब एक्स वन वाई वन के जगह पर क्या लिखेंगे, सी वाई टी लिखेंगे ना, वाई वन के जगह पर सी वाई टी, तो क्या होगा, x y1 के जगह पे c by t प्लस y x1 के जगह पे c t, नहीं इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से सारे जगह से cc कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स वाई टी प्लस का वाई टी इज इक्वल टू टू सी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे लिख सकते थे, कैसे मालूम है, कि यहाँ से हम स्लोप निकाल लें, और एक पॉइंट दिया हुआ, स्लोप पॉइंट फॉर्म से फिर निकाल सकते हैं, नहीं तो जल्दी से लिख ले तू लोग। नहीं, एक टॉपिक लिख, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, नहीं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके लिए अगर हमको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देख ये इसका ग्राफ है, नहीं ये नहीं, मान ले कि इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना था, सबसे पहले एक कॉर्ड बना लेते, नहीं मान लेते कि ये पी पॉइंट पे इधर इंसेक्ट करता और क्यू पॉइंट पे इधर इंसेक्ट करता, नहीं तो इस दोनों लाइन को मिलाने से एक कॉर्ड बनेगा, नहीं तो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, नहीं तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते कि क्या है, सी टी वन सी वाई टी वन। इसी तरह हम Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, नहीं Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं, नहीं स्लोप दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ही सकते हैं, नहीं कैसे लिखेंगे, तो देख क्या करेंगे हम, देख y माइनस कोई एक पॉइंट ले ले, हम मान ले पी पॉइंट ले लेते, तो y माइनस सी बाई टी वन का है, क्यों एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पर कौन सा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते थे, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर रहता था तो क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते थे, सी टी कॉमा सी वाई टी,
तो ये तो सारा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ही नहीं लिखा था, इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, सी टी वन सी बाई टी वन सी टी टू सी बाई टी टू। तो वाई माइनस सी बाई टी वन, और देख इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप पॉइंट वन से कि देखो वाई टू माइनस वाई वन नहीं, तो क्या होगा सी बाई टी वन अपॉन सी बाई टी टू सी टी वन माइनस सी टी टू इंटू एक्स माइनस सी टी वन नहीं, यही क्या है इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। तो इसको स्टार करके लिख ले नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड नहीं, जल्दी से लिख ले। अब देख इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले नहीं, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द नॉर्मल ट्रू हाइपरबोला, यानी कि द नॉर्मल टू हाइपरबोला, हाइपरबोला पर कोई नॉर्मल है एट पॉइंट टी, किसी टी पॉइंट पे मीट कर्व अगेन, उस कर्व पे फिर दोबारा मिलता है कहाँ पे, टी डैश पे नहीं एट पॉइंट पी, देन सच डेट रिलेशन क्या है ये देखना नहीं। तो देख पहले ये क्वेश्चन को समझ कि देख ये क्या है, हाइपरबोला है नहीं, हाइपरबोला पे कोई टी पॉइंट पे हमको क्या देना है, नॉर्मल देना है, और ये नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है, टी डैश पे मीट कर रहा है। नॉर्मल कहाँ पे दिए, टी पॉइंट पे नॉर्मल दिए, और ये नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है, टी डैश पे नहीं, टी डैश पे। तो इसका पॉइंट क्या है, पी नहीं। तो इसका दो तरीका है, इसका इस क्वेश्चन को दो तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेंगे कहाँ से, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख लेंगे कहाँ से, टी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेंगे, और ये टी डैश पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, करवा देंगे ना। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा, जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस दो, मान ली इसका नाम क्यू दे देते हैं, तो जो नॉर्मल का स्लोप क्यू पॉइंट पे होगा वही स्लोप पी क्यू पॉइंट पर होगा, क्योंकि यही नॉर्मल आके मीट कर रहा है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप अभी निकालना है टी स्क्वायर नहीं, तो हमको क्यू पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू पॉइंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू पॉइंट क्या आ रहा है, टी स्क्वायर। अब हम देख इस पॉइंट को, यानी कि टी पॉइंट दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी टी सी बाय टी क्यू, इसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सी टी वन और सी बाय टी वन है, टी डैश है ना, तो सी टी डैश सी बाय टी डैश हो जाएगा। अब देख यही नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है, अगेन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जो इस नॉर्मल का स्लोप Q पॉइंट पे होगा वही PQ लाइन का स्लोप होगा, तो PQ का स्लोप बता सकते हो कितना होगा, स्लोप ऑफ PQ कितना होगा, C by T माइनस C by T डैश अपॉन C T माइनस C T डैश C T डैश, और यही स्लोप किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अच्छा सी सी तो 70 से कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, टी डैश माइनस टी अपॉन टी टी डैश, और फिर यहाँ से टी माइनस टी डैश होगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये समझे कैसे हुआ, सो एलसीएम लिए, देख ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बस एक माइनस दे देगा नहीं, क्योंकि ये टी माइनस टी डैश है, ये टी डैश माइनस टी है, तो ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ माइनस दे देगा। तो माइनस वन बराबर क्या आ रहा है मेरा, जब इसका इसके साथ गुना होगा तो टी क्यू टी डैश नहीं, तो कोई रिलेशन है, टी क्यू टी डैश इज इक्वल टू माइनस का वन, फर्स्ट ही रिलेशन आ रहा नहीं। इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते थे कि हम क्या करते, क्यू पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते और ये नॉर्मल को पी पॉइंट से सेटिस्फाई करवा देते, उससे भी यही आंसर होता, लेकिन इसका आसान तरीका था कि हम क्या कर देते कि Q पॉइंट पे स्लोप निकाल लिए नॉर्मल का, और यही स्लोप का है कि यही नॉर्मल जाके P पॉइंट पे मिल रहा है, तो जो इसका स्लोप होगा वही ई पी क्यू पॉइंट का स्लोप होगा, दोनों के स्लोप को कंपेयर कर लिए, वहाँ से भी हम लिख सकते हैं नहीं। तो जल्दी से देखना, नहीं तो देख क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला और हाइपरबोला नहीं। तो देख इस पे तो अभी तक हम कोई टेंजेंट लिखना नहीं सीखा है, एक सिर्फ टी के फॉर्म में टेंजेंट जानते हैं नहीं। अच्छा इसमें हम टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं क्या, क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। पहले तो ग्राफ थोड़ा सा रफ स्केच जानना चाहिए, तो जान लो कि रफ स्केच ऐसा बनेगा कि देखिए ये मेरा क्या है, हाइपरबोला है और पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, मतलब ऐसा कोई पैराबोला। अब कॉमन टेंजेंट की बात कर रही है, तो मान ली कि नॉर्मली ऐसे दिखाना भी थोड़ा टफ है, लेकिन कोई ये लाइन है
जो इस पैराबोला और इस पे भी टेंजेंट है, ऐसे दिखा सकते नहीं। तो देख अबे दोनों पे थोड़ी ना, किसी एक पे दिखाना है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, इस कर्व पे आ गई ना, ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो आ गया ना टेंजेंट। तो वो नॉर्मल एस्केस तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, छोड़। लेकिन देख पहले तो हम देख पैराबोला पे टेंजेंट डालते हैं। पैराबोला पे टेंजेंट क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए, ए कितना है वन बाय एम। अच्छा ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो क्या करते थे, इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व कर ले। इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे एम के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। इस लाइन और इस कर्व, कर्व मेरे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू टू। अब हम वाई के जगह पर क्या लिख देंगे, एम एक्स प्लस वन बाई एम, नहीं तो एक्स इंटू क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस वन बाई एम इज इक्वल टू टू। अच्छा अब ये लाइन इस कर्व पे स्लोप क्या कहते हैं, टेंजेंट ही। तो कोई भी लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट होती थी तो लाइन और कर्व को सॉल्व करते तो उसमें क्या लगाते थे, डी इक्वल टू जीरो, यही ना करते थे, डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देख क्या बनना है, एम एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई एम, नहीं और फिर इधर टू, यही ना बन रहा है। तो देख यहाँ से क्या बन रहा है, एम एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, नहीं और ये m इधर जाएगा तो माइनस का 2m इक्वल टू जीरो। अब हमको देख ये तो m स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, m का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए नहीं। तो हम इसको किस में रिप करेंगे, क्वाड्रेटिक मानेंगे, x में क्वाड्रेटिक मानेंगे, m का वैल्यू चाहिए तो x में क्वाड्रेटिक मानेंगे, तभी ना d इक्वल टू जीरो लगाएंगे। d इक्वल टू जैसे ही जीरो लगाएंगे तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है एम स्क्वायर, सी कितना है माइनस का 2m इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या रहा, 1 माइनस माइनस प्लस 8m क्यू इक्वल टू जीरो, नहीं तो यहाँ से एक चीज़ बता सकते हो कि माइनस का 1 बाई 8 इक्वल टू एम क्यू हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया माइनस का 1 बाई 2। एम का वैल्यू जैसे ही माइनस का 1 बाई 2 लिखेंगे तो ये टेंजेंट आ जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 बाई 2 डाल देना तो टेंजेंट क्या बनेगा देख ले, y इज इक्वल टू एम के जगह पर माइनस का 1 बाई 2 x और फिर माइनस का 1 बाई 2 रखेंगे तो ऊपर का 2, नहीं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस का x माइनस का 4, यही ना होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2y प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू जीरो। कोई ऑप्शन है क्या, कौन x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, नहीं तो कितना आसान था, नहीं क्या हाइपरबोला का इक्वेशन कहाँ बोला, कॉमन टेंजेंट है। इलिप्स में भी तो ऐसे ही करते थे, लाइन और कोई भी लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट होता था तो क्या करते थे, लाइन और कर्व को सॉल्व करते थे, d बराबर जीरो कर देते थे, नहीं तो मान लिए कि हम इस पे तो टेंजेंट हमको नहीं जानते, लेकिन इस पे तो टेंजेंट लिखना जानते हैं ना। तो मान लिए कि ये लाइन इस पे क्या है, टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो यही टेंजेंट इस पे भी टेंजेंट होगी, इस पे भी टेंजेंट होगी, तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया और इसी लाइन को हम इस कर्व के साथ सॉल्व कर लिए, डी बराबर जीरो लगा दिए। नहीं टेंजेंट का किस क्या होता था, जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करती थी तो डी बराबर जीरो ही कर देते थे लाइन और कर्व को सॉल्व करने का, नहीं तो वही के। कॉनिक सेशन यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं हाइपरबोला का भी यहीं पे हो। अब नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं, नहीं।